नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज़ न्यूज़ में। आज हम हैं राजकीय माध्यमिक उच्च विद्यालय परिसर में, जहां पर पंचायती राज चुनाव के मतदान हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोग मतदान के लिए आ रहे हैं, और कई लोगों को हमने देखा है कि कुछ लोग बाहर से भी आए हुए हैं, अहमदाबाद, सूरत, वहाँ से। तो हमारे साथ में कुछ लोग हैं, आप कहाँ से आए हैं? भंडार से। भंडार से ऐसे मतलब यहीं रहते हैं या बाहर? सूरत से आए। बॉम्बे से। बॉम्बे से आज आप, आपने मतलब वोट देने आए? यस। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि भाई वोट देने जाना चाहिए? वोट जन जन की जागरूकता है, आदमी हर व्यक्ति को वोट देना चाहिए। अच्छा, आप इनका इंटरव्यू देख सकते हैं। सुरक्षा के बड़े अच्छे इंतजाम किए गए हैं, बाहर की तरफ भी रेलिंग बांधी गई है, और यहाँ पर भी पुलिस व्यवस्था बड़ी अच्छी है सुचारू रूप से, और लोग वोट करके आ रहे हैं और कुछ लोग जा भी रहे हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ लाइन लगी हुई है। बूथ लेवल के जो BLO यहाँ बैठे हुए हैं, समय के आधार पर आप देख लो, ये सभी BLO हैं, अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। कुछ त्रुटियाँ रह गई तो मतलब आप बताएंगे क्या ऐसा काम आप मतलब कर रहे हैं? जो बाहर से जो आ रहे हैं, जो मतदाता लाइन से आ रहे हैं, उनको खास करके तो उनको रोल नंबर बता रहे हैं, उनके वार्ड नंबर बता रहे हैं, उनको जो आ रहे हैं उनको मार्गदर्शन भी उनका कर रही हूँ। नहीं तो जो बाहर काउंटर लगाकर बैठे हैं और उनमें और आप में क्या फ़र्क है आपके काम में? हमारे पास में गवर्नमेंट से दी हुई वोटर लिस्ट है, उसमें अगर किसी के नाम क्रम में आगे पीछे है या पुराने लिस्ट है तो उसको हम हमारे आधार पर क्रम संख्या सही करके देते हैं, उनको कक्ष नंबर बताते हैं और साथ में उनके भवन की डायरेक्शन। मतलब आप बताएंगे इस बारे में थोड़ा सा कि ये जो बाहर भी इस तरह से जो उम्मीदवार हैं उन्होंने भी काउंटर लगाया, आपने भी लगाए, तो उसमें और आप में क्या अंतर है? उनमें एक तो कमरा नंबर की सुविधा नहीं है और वार्ड की, ठीक है, तो हम उनको गाइड करके सीधा जिनका जो वार्ड और जो कमरा नंबर है वहाँ पे। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये लोग सब बैठे हैं, मतलब सभी सुविधा के लिए उनको कमरा नंबर बताया जा रहा है, उनका वार्ड नंबर बताया जा रहा है, और कुछ छोटी मोटी टूटा रहेगी तो वो ये BLO उनको बता रहे हैं। BLO करीब 8 से 9 BLO हैं। आप देख रहे हैं लोग अपना अपना वोट करके रिटर्न आ रहे हैं, और आप देख लो महिलाएँ भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। आप देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि एक बुज़ुर्ग हैं, एक हाँ एक एक बुज़ुर्ग हैं और एक आप बम्बई से आए? भंडार से। भंडार से, लेकिन ऐसे आप रहते तो बम्बई में? नहीं। अच्छा, भंडार जयपुर में। जयपुर से वोट देने आए? हाँ। और आप? भंडार। हाँ। और इतनी सब तकलीफ के बाद, इतनी खूब तकलीफ, खूब है भाई साहब, भैया भीड़ खूब है, फिर भी लोकतंत्र का उपयोग कर रहे हैं? हाँ जी, ठीक है, मगर लोकतंत्र में ये भीड़ है ना, इसकी जो हाँ इसको इसके लिए कुछ करेंगे अभी। हाँ जी, कुछ बुजुर्ग हैं। मैं चंद्रराम बोल रहा हूँ, पुरोहित। क्या बाजी, आपकी उम्र कितनी है? ठीक, ये 80 साल का बाजी, आपकी उम्र कितनी है? 100 साल रही है बाजी तो। अच्छा, ये हमारे साथ में है, 100 साल की उम्र में भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, उगाने बड़ा भाई। नाम क्या आपका? दुड़ाराम। दुड़ाराम चौधरी। तो देख रहे हैं आप, लोकतंत्र की खूबसूरती है ये, चारों तरफ लगे हुए हैं लोग, देखिए अलग अलग। अब की बार सबसे बड़ी बात, हमने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी वार्ड हैं, 21 वार्ड, उनके 9 बूथ बनाए गए थे जो एक ही स्कूल में थे, हमने पूर्व में भी आपको सूचित किया था, और देख रहे, नहीं तो क्या होता था, दोनों स्कूलों में जाना आना पड़ता था। अब इसलिए ज़्यादा भीड़ आपको नज़र आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, कई लोग शहरों से भी आए, अहमदाबाद, सूरत, नवसारी, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता आदि सभी जगह से। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब जगह पर लोग अपने अपने मताधिकार का प्रयोग के लिए आए हुए हैं, कुछ लोग अभी आ भी रहे हैं, सभी अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आप देख सकते हैं चारों तरफ भीड़ लगी हुई है, और ख़ास करके महिलाएं भी बहुत तादाद में नज़र आ रही हैं। एक बात हमने ज़्यादातर नोट की, सुरक्षा के बड़े अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं, हर जगह पर, हर मोड़ पर आपको पुलिस खड़ी नज़र आ रही है,
चाहे वो निर्व हो, इस तरह से सभी लोग अपने, आप देखिए खास करके महिलाएं अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं, पुरुष भी हैं लेकिन महिलाएं बहुत ज़्यादा हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र के प्रति कितने लोग जागरूक हैं, महिलाएं भी जागरूक हो चुकी हैं और ये अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। हमारे साथ में कुछ लोग बाहर से भी आए हुए हैं, कुछ लोग हैं हमारे साथ में। भाई साहब आप बताएंगे आप कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ भिंडमाल से। भिंडमाल से आप हैं तो मंडल के, लेकिन भिंडमाल से आए हो आप वोट देने के लिए। हाँ, प्रजातंत्र की यही खूबसूरती है कि आप देख सकते हैं जगह जगह से लोग वोट देने के लिए आए हुए हैं। मिलते हैं।